हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को लेकर जाने वाला हूँ इंडिया से भूटान, जो कि मैं अभी हूँ आसाम के बासुगांव में और यहाँ से मैं डायरेक्टली जाऊँगा भूटान। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस, देख सकते हो यहाँ पर पहुँच चुके हैं भूटान में। तो पीछे जो है गेट है, तो यहाँ से नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं तो अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग भूटान जा रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त। तो अभी जो है फिलहाल हाई रोड से भूटान के तरफ मैं जा रहा हूँ और ये जो है गिलगित जाने का रास्ता है। तो अभी से वेदर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से जो है ठंडा ठंडा लग रहा है, बाकी जगह अंदर में और भी ठंडा लगेगा। तो बने रहे वीडियो में। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। एंट्री करने में आप लोगों को मिनिमम 10-15 मिनट लग जाएगा, अगर भीड़ रहता है तो आधा घंटा तो लगेगा ही। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो बनाना है, नहीं तो चालान कट जाएगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ का वेदर, आप लोग देख सकते हो सामने पहाड़। ये जो पहाड़ है हम लोग के घर के वहाँ से दिखाई देता है, फिर भी यहाँ पर आने के बाद और भी दूर है, लगभग यहाँ से तो 10-15 किलोमीटर होगा ही। और यहाँ का घर दीजिए, घर देखिए, घर का डिजाइन कैसा है देख सकते हो। लगता है यहाँ के लिए ये 5-स्टार होटल है। 5-स्टार तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ का मार्केट देखिए और गाड़ी रखने का स्टाइल।
तो गाइस यहाँ पर चलने में तो बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ही ठंडा है वेदर, रात को तो शायद कंबल तो ओढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ठंड लगेगा बहुत। ऊंचा तो था। और वैसे ये जो जगह है ना बहुत ही ऊंचा में बना हुआ है, तो यहाँ का लोकल मार्केट है शायद, दुकान वगैरह। भूटान के आर्मी लोगों का कैंप है ये, तो वाओ गाइस, मतलब देख सकते हो कितना मतलब अच्छा है, रास्ता भी एकदम ऊंचा नीचा। देखिए व्यू मतलब बहुत ही अच्छा है। आप लोग देख सकते हो ये जगह का नाम है, और चारों तरफ मतलब पहाड़ ही पहाड़। नीचे देख सकते हो, तो यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह शूट करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ का ब्रिज और पीछे का नजारा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोग राफ्टिंग अगर, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग कॉन्टेक्ट करके आ सकते हो। तो यहाँ पर स्पीड भी दिया गया, 40 के स्पीड में चलाने के लिए बोला है। और यहाँ पर हॉर्न मारना भी अलाउ नहीं है, हॉर्न अगर मारते हो तो आप लोगों को फाइन लग सकता है। और यहाँ का फिलहाल फाइन जो है 1750 रुपीज़ है, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो। तो गाइस देख सकते हो ये है शिव मंदिर भूटान में भी, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आज पूजा हुआ है क्योंकि सोमवार है आज। और यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा है। तो अंदर तो नहीं जाऊँगा, यहाँ से जूम करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जूम करके, गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मार्केट में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पीछे जो मार्केट है, और यहाँ पे बाइक पार्किंग करने का स्टैंड, तो लाइन में खड़ा करना पड़ता है 1x1। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और उधर पे एक बुद्ध का टेंपल है, तो बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ का दुकान वगैरह, तो एक दुकान पे जाऊंगा कुछ ख़रीदना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाइन शॉप, यहाँ पर जो है वन शॉप मतलब बहुत ही सस्ता है। अगर इंडिया में कोई चीज़ 100 रुपीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को 40 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो ये को लगता है कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। और यहाँ का एक केक का पीस देखा है खाने के लिए, तो वो 70 रुपीज़, हम लोग के इंडिया में लगभग 40 रुपीज़ में वो मिल जाएगा वो पीस। और ये मोबाइल का शॉप देख सकते हो, ओप्पो वीवो रियलमी सैमसंग शाओमी। तो आप लोग देख सकते हो ये कॉस्मेटिक का दुकान है, कपड़ा का दुकान।
तो यहाँ का गाड़ी भी देखिए बहुत ही दमदार है। तो यहाँ पर आने के बाद और एक दिन आना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम फिलहाल हो चुका है जाने का, तो चला जा रहा हूँ। एक दिन बहुत टाइम करके सुबह सुबह आ जाऊँगा घूमने के लिए। और यहाँ पर गेट पास जो है 24 आवर्स के लिए आप लोग घूम सकते हो, 24 घंटे के लिए देता है, कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगता है। तो लगता है वो शॉपिंग मॉल है, आप लोग देख सकते हो साइड में। तो आ चुके हैं होटल में, तो यहाँ पे आज कुछ खा लेते हैं, तो मिठाई खाऊँगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।